दोस्तों बिल्ली ने पैरट कॉलोनी पे हमला कर दिया यार। ये देखें, ये दरवाजा खुला रह गया, वो शायद उधर को लेकर गई है तोता मेरा। वो देखे खा रही, वो ले गई यार, वो ले गई उसके मुंह में है। देखे यार बजिस पैरट एक उसके मुंह में है, वो चले गई है। दोस्तों शायद इसके भी दांत लगे हैं यार, अभी मैं देखता हूँ इसे पानी वगैरह पिला के। मेरे ख्याल में तो यार ये नहीं बचेगी, एक्सपायर हो जाएगी आखिरी दमों पे। यहाँ ये डर गई है, इसके चोट तो कहीं भी नहीं लगी। पानी पिला के दिखाता हूँ यार। ये तो ऐसे जैसे इसकी जान नहीं निकल रही। थोड़ा सा मैंने इसको नहलाया भी है कि यार शायद ये ठीक हो जाए, लेकिन यार ये देखें इसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है यार। मुझे तो लगता है ये बिल्कुल एक्सपायर हो गई है। अभी अभी हल्की हल्की सी आंखें खोलती है, मुंह भी खोलती है। पता नहीं यार क्या हो गया, बस छोटी सी गलती हुई है कि मैं नीचे पता नहीं कोई रोटी वगैरह लेने गया हूँ और ऊपर ये काम हो गया। जैसे ही मुझे आवाज़ आई मैं फौरन ऊपर आया हूँ। ये देख लें यार, इसके भी आखिरी सांस चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यार आप लोगों के सामने काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया। मैं आपको बताता हूँ यार, यहाँ पे ना बिल्ली, ये मेरे मुझसे दरवाज़ा ये भी खुला रह गया क्योंकि ये मैंने मुर्गियाँ वगैरह छोड़ी हुई थी, बाहर भी छोड़ी हुई है। मेरे ना जेन में नहीं रहा, ये खुला रह गया। तो यार ये देखें, इनका दरवाज़ा भी हल्का सा हिलाओ ना तो खुल जाता है। यार कैट आई है, बिल्ली आई है, पता नहीं कैसे हमला करके गई है। ये देखें, ये भी स्टिक सारी टूटी पड़ी है। मुझे अचानक से शोर की आवाज़ आई तो ऊपर आया, ये भी देखा टूटी पड़ी हुई है। पानी भी इनका, और इसके ऊपर भी उसने अटैक किया है। ये भी काफ़ी ज़्यादा ढीली हो गई है, इसे हिला नहीं जा रहा। मैं आपको दिखाता हूँ पकड़ के। ये तो पहले तो भाग जाती थी, ये देखें सारियाँ डर डर के उड़ रही हैं। ये खुद ये नहीं अकेली उड़ रही, बस ये काफ़ी वीक हो गई है। इसके ऊपर पता नहीं किधर अटैक किया उसने। इसको निकाल के देखता हूँ, बाकी इनके बेबीज तो इनके मटकियों के अंदर हैं, वो तो बच गए हैं। वो देखें, ये काफ़ी यार ख़तरनाक काम हो गया है, पता नहीं ये कैसे। ये देखें कील भी उधर है। हाय दोस्तों, ये नहीं यार, मैं आपको और दिखाता हूँ। इस कबूतरी ने देखें कबूतर के बच्चे का क्या हाल किया है। दोस्तों ये सैड न्यूज़ है यार, ये बेबी जो पिजन बेबी ना, इसको मैं हैंड फीड करवा रहा था और इसके इतनी बुरे तरीके से इसे मारा गया। इसके ऊपर सुराख हो गए और बीच से आवाज़ें आ रही हैं, मतलब पेट के अंदर से इसकी आवाज़ें आ रही हैं। मर जाना ये कुछ देर तक, और जिसने मारा है वो ये है, देख लें। और मेरी विश के लिए भी दुआ करिएगा यार, ये ठीक हो जाए। इसके साथ वाली तीन थी एक्सपायर हो गई हैं, अभी एक थी मैंने फिर इसे एक डिब्बे में रख लिया। इसके लिए भी दुआ करें यार। खैर दोस्तों, जो होना था वो तो हो गया, अभी इनको बंद करता हूँ, पिजन्स ओपन करता हूँ। और चलो सारे अंदर, आप लोग अंदर चलो, चलो 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 चलो। इतने इतने बड़े हो गए, इनसे भी बिल्ली एक दिन रात को इसके ऊपर भी हमला कर गई। बिल्ली रात को मैंने बंद नहीं किया, जेन में से निकल गया था, और मुर्गे के ऊपर भी अटैक करके गई वही बिल्ली, और ये जाली भी उसी ने फाड़ी है ये वाली सारी। खैर अभी अपने पिजन्स को ओपन करता हूँ। इनकी जाली को भी मतलब हिलाया गया लेकिन कुछ हुआ नहीं है क्योंकि ये मजबूत जाली लगी हुई है। चलो आ जाओ यार, आप लोग भी बाहर आ जाओ यार। इनको भी है ना डाइट वगैरह खिला देता हूँ। इन्होंने भी यार, जो हमारे टेल है ना, टेल ने दोनों अंडे दे दिए हैं काफ़ी देर के बाद, यानी फर्स्ट टाइम ही इन्होंने दिए हैं। चले गए बाहर जा रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो जी निकलो निकलो। वो जो छोटी मुर्गी ना वो मारती है अक्सर, वो डर गई अभी तो फिलहाल, जब ये उड़ के गया है। इनको बंद कर देते हैं, अंडे भी तोड़ देते हैं मुर्गियां अंदर जाके। तुमने नहीं आना, आ जाओ, चलो तुम भी कुछ खा लेना, खा के फिर आके बैठ जाना। चलो सूजी, यार सूजी को आज फिर हम दिखाने जाएंगे हॉस्पिटल। इसकी टांग पे इंजेक्शन लगवाया था तो एक टांग बिल्कुल येलो ही पड़ी है और एक टांग ठीक है। अभी आज चेक करवा के आते हैं दोबारा से। चलो जी आ जाओ। वो हो गया, वो भी आ गई। ये जालिम कबूतरी है जिसने ना, ये वाइट वाली, इसने उस बेबी को मारा है। और एक और लुप्पी का बेबी बहुत ही क्यूट है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बहुत प्यारा निकला है माशाल्लाह से। पीछे हो जाओ, किधर गया? ये देखें यार, इसके मैं आपको दिखाता हूँ, इतना क्यूट निकला है ना ये वाला, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। ये देखें, एक मिनट रुको, ये इसके पंख चेक करें, कॉर्नर से ब्लैक है
और पाओ के ऊपर इसके बाल है, पंचेस वगैरह जिसे हम कहते हैं। बहुत प्यारा निकला, कलर चेक करें इसका कितना प्यारा है। एक इसके साथ वाला ही मारा है उसने, वो दूसरी वाइट कबूतरी ने। यार देख क्यूटनेस देखें इसकी, कितनी क्यूट है। फिलहाल इसे भी बाहर निकाल देते हैं ताकि इनको खाना आए यार। चलो जी यहाँ पे रो जी, इनको भी चावल डाल देते हैं यार, ये भी काफी मजे से खा लेते हैं। आ जाओ जी, तो कैसे भाग के आ रहे हैं सारे मेरी तरफ, वैसे ये आते नहीं है। और ये देखें चावलों को देख के कैसे आ रहे हैं, अभी इनको भी डाल देते हैं यार ये ना। हाँ सब्र कर लो, सब्र कर लो, तुम लोगों का ही है ये। लो जी, लो जी, लो जी, ओके हो गया। खाओ खाओ खाओ, किधर जा रहे हो, खाओ, डर क्यों रहे दोस्तों। थोड़े थोड़े से चावल इनको अब डाल देता हूँ, ये देखें कैसे देख रही हैं, लाइन से लगी हुई हैं। बाकी दोस्तों आज के वीलो का इधर ही एंड करते हैं। और इनके बेबीज कैसे हैं जी, कैसे हैं यार? ये आप लोगों को पता है इनकी ब्रीड में अलग रखी थी मैंने कि यार इनको वो जहर बाद हो जाता है मच्छर लड़ने से, वो इसकी चोंच पे क्या हुआ, मुझे लगता है इधर भी इनको मच्छर लड़ते हैं। ओए होए हो यार, ये तो काम खराब है। बात सुनो, इसको मैं देखता हूँ पर्सनली तौर पे, ये तो काम गलत है। अगर यहाँ पे भी इसके पाँव पे भी जहर बाद हो रहा है, और इसका भी इलाज करता हूँ यार, इसे निकाल के देखता हूँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। काफ़ी ज़्यादा ना ढीली लग रही है। यहाँ पे मेरे चिक्स भी थे, वो सर्दी की वजह से उन्हें पता नहीं क्या हुआ, वो भी एक्सपायर हो गए। खैर इनके बेबीज़ का वेट करते हैं। बाकी दोस्तों आज के भी लोग का इधर ही एंड करते हैं। अगर चैनल पर पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में, अगले व्लॉग्स में। अल्लाह हाफिज़।